हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर जिले के रामसर क्षेत्र के बानो का ताला देरासर निवासी जमाल पुत्र रमजान जाति मुसलमान ने बाड़मेर जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गगनदीप सिंगल को ज्ञापन सौंपकर समाज से बहिष्कृत कर हुक्का पानी बंद करवाने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन में जमाल ने बताया कि मैं अपने परिवार के साथ देरासर गांव में निवास कर रहा हूं तथा मजदूरी करके अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। उसने बताया कि मेरी सगाई आज से करीब 2-3 साल पूर्व में देरासर निवासी सफियत की पुत्री से हो रखी थी, जिसे समाज के पंचों ने सफियत पर दबाव बनाकर तोड़ दी। वहीं समाज के पंचों ने समाज से बहिष्कृत करने का फतवा जारी करते हुए मुझे और मेरे परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया। प्रार्थी जमाल ने बताया कि 15/6/2018 की रोज 30 से 40 अन्य लोग मिलकर देरासर बस स्टैंड के पास मदरसे में एक राय होकर इकट्ठे हुए और मुझे और मेरे परिवार को समाज से बहिष्कृत करने का फतवा जारी कर दिया। वहीं पंचों ने कहा कि आज से ऐलान किया जाता है कि जमाल खान को समाज से बहिष्कृत कर इसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है तथा कोई भी शख्स जमाल को अपने घर नहीं आने देगा, ना इसके परिवार से कोई बात करेगा और ना ही इन्हें कोई पानी पिलाएगा। एसपी को दिए ज्ञापन में प्रार्थी ने जातीय पंचों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।